नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुलताई में ताप्ती तट पर महिलाओं का उमड़ा जनसैलाब। ऋषि पंचमी पर महिलाओं ने लगाई सरोवर में डुबकी। मुलताई आज ऋषि पंचमी के अवसर पर ताप्ती सरोवर के आसपास महिलाओं का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में महिलाओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को माहवारी के पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान माना जाता है। इसके बाद चौथे दिन स्नान के बाद ही वे शुद्ध होती है। इसी बीच महिलाओं द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का पूजन किया जाता है। इस अवसर पर पवित्र नगरी मुलताई के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं का आना जाना भारी मात्रा में हो रहा है। ताप्ती सरोवर के आसपास भारी भीड़ देखी जा रही है। पुलिस द्वारा इस अवसर पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई तथा ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा है। महिलाओं ने ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषि के दर्शन कर उनका विधिवत पूजन कर उनके द्वारा मासिक धर्म के दौरान होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना की और प्रार्थना की है। नेशनल हेड राजेश खत्से की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ममता कड़ू। कहाँ के रहने वाले आप? मुलताई की। ये आज जो ऋषि पंचमी मनाई जा रही है, इसके संबंध में बताइए। हाँ, ये ऋषि पंचमी इसलिए मनाई जाती है कि जो 3 दिवस का रहता है रजस्वला, वो उसके लिए मनाई जाती है, ताकि यहाँ पे जो 3 दिन खाना ना बनाने का विधान है और इसमें कोई काम न करे, थोड़ा रेस्ट करे, इसके लिए रहे। ये उपवास करने से ये फायदा है कि जो अपने से गलती हो जाती है उसे अपन मतलब फ्री हो सकते हैं इस पूजा को करके। ऋषि पंचमी इसलिए मनाई जाती है, सप्त ऋषियों का ध्यान किया जाता है, उनसे क्षमा याचना की जाती है कि हम ये 3 दिन ये उपवास करके हम अपनी गलतियों से मतलब मुक्ति पाएं और अपना जीवन अच्छा करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।